जैसे हमने पोलो फ्री स्टाइल करी थी कुछ दिन पहले, उसी पैटर्न पे आज हमारे पास एक पोलो TSI आई है, उसी पे भी हम एक सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप कर रहे हैं, फ्रंट कंपोनेंट, 4-channel एम्प और सब ऊपर। आप देख सकते हो पीछे रेड ब्रांड न्यू पोलो TSI ऑटोमेटिक, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट कार। मुझे गाड़ी पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे पास भी पोलो है, और बिल्ड क्वालिटी एंड जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग है। आज तक डिजाइन भी इसका चेंज नहीं हुआ, आई थिंक 10 साल हो गए इसको इंडियन मार्केट में। तो इसका भी मैं आज आपको ऑडियो लॉग दिखाऊंगा। बड़ी वेल बिल्ट गाड़ी है, बहुत ज्यादा डैम्पिंग की इसमें भी जरूरत नहीं है, और बहुत ही अच्छा इंस्टॉल, बहुत ही अच्छी साउंड करती है। इसका स्टॉक स्टीरियो भी अच्छा डिसेंट आउटपुट दे देता है, तो हमें बहुत ज्यादा DSP वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कि आज इसमें हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये इसका मिड बेस है नियो सीरीज का, वॉट इसकी रेटेड पावर है। देखिए जो भी अच्छी ब्रांड्स होंगी वो बहुत ज्यादा ओवर रेटेड प्रोडक्ट्स नहीं रखेंगी। मैं करेंटली अपनी गाड़ी में इसको 90 RMS से ड्राइव कर रहा हूँ, जो नॉर्मली हम इसको 60-70-80 RMS से डिवाइड करते हैं। तो जितनी क्लीन पावर दोगे उतना अच्छा साउंड करेगा स्पीकर, कभी भी अच्छी पावर से नहीं खराब होता, ये हमेशा डिस्टॉर्शन से खराब होता है, ये ध्यान रखना। और ये 25 mm का सेल्फ ट्विटर है, बहुत ही वाइड बैंड ट्विटर है, बहुत ही ओपननेस है इसके साउंड में, इसीलिए इतना क्लियर बजता है, इसीलिए इतना पॉपुलर है ये। और ये उसका पूरा पैसिव क्रॉसओवर है। दूसरी चीज जो बहुत ही अच्छी मेरी पर्सनल मुझे बहुत पसंद है DD का, ये एम्पलीफायर आप देख सकते हो, बिल्ड क्वालिटी इसकी टैंक जैसी है, और ये आपका साथ बहुत जल्दी ही नहीं छोड़ेगा, और बहुत ही रिलायबल एम्पलीफायर है। मैं इस पर थोड़ा और डिटेल से आपको समझाता हूँ कि इसमें जो इनपुट्स है वो आप देख सकते हो, 4 inputs हैं, फ्रंट के अलग, रेयर के अलग, और इसमें आउटपुट चैनल भी है। आजकल बहुत सारे एम्पलीफायर्स ये आउटपुट चैनल नहीं देते। अगर आपके पास 2 ही इनपुट हैं, जैसे हम स्टॉक स्टीरियो से वर्ट करते हैं, तो आप इसके आउटपुट चैनल से आप अपने मोनो एम्प को पावर दे सकते हो, आपको एक्स्ट्रा कन्वर्टर या एक्स्ट्रा RC वगैरह की जरूरत नहीं होती, यहीं से आप RC सीधा कनेक्ट करो अपने उस पर। दूसरी जो चीज़ है, दोनों फ्रंट में भी इनके लो पास फिल्टर है और हाई पास फिल्टर है, आप बेस आप दोनों चैनल से आप सबवूफर भी ड्राइव कर सकते हो। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि इनपुट चैनल है, अगर आप सिर्फ इनपुट चैनल्स पे 2-channel mode पे सिंगल RC इनपुट भी इनको देते हो तो भी ये आपके चारों चैनल्स को आउटपुट दे देगा। और ये इसकी जो बैटरी वायर इनपुट है 4 gauge तक ये सपोर्ट करता है, नॉर्मली 8 gauge सफिशियंट, अगर गुड क्वालिटी 8 gauge वायर है वो इसको आराम से करती है। बहुत ही अच्छा हैवी एम्पलीफायर है और बहुत ही कॉम्पैक्ट चेसी है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती, आप इसको अंडर द सीट भी इजीली प्लेस कर सकते हो। और ये जो रिप्स बने हुए हैं ये इसके हीट डिसिपेशन के हैं, ताकि बहुत ज़्यादा हीट ना हो, जितनी इसका सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही एम्प कूल ऑफ इजीली हो जाता है। पिछले फ्री स्टाइल के इंस्टॉल में मैं भूल गया था, मैं वो पता तो दिया था, मैंने कहा कि सबवूफर लगना है, कॉम्पैक्ट है, तो वो कॉम्पैक्ट सबवूफर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये MTX का सील्ड एनक्लोजर हम इसमें भी यूज़ कर रहे हैं, और ये भी कंपनी बिल्ड एनक्लोजर है, बड़ा डिसेंट है, बड़ा वैल्यू फॉर मनी सबवूफर है, अंडर 8000 में बहुत ही डिसेंट इसकी साउंड आउटपुट है। तो और बिल्ड क्वालिटी अराउंड 200-300 RMS ले लेता है। फिर भी मैं फिर आपको एक चीज बताऊंगा, 4-channel जब भी आप लगा रहे हो उसके साथ हमेशा सिंगल कॉइल सबवूफर चलेगा, डबल कॉइल सबवूफर उसके साथ मत चलाइएगा, वो एम्प अनस्टेबल हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो ये अभी करंटली इक्विपमेंट लिस्ट है, गाड़ी में जाने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक और इंटरेस्टिंग इंस्टॉल आज आया है जो कि बहुत लोगों की मिथ ब्रेक करेगा, अभी भाई साहब ने कहीं से इंस्टॉल कराया था, मैं वो भी आपके साथ। सीट पीछे हमने माउंट किया है और एम्पलीफायर, मिड बेस की प्लेसमेंट हो गई है प्रॉपर। तो देवांश जी की पोलो अब हम कर रहे हैं, सेटअप ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। फ्लक्स के कंपोनेंट DD का हमने एम्पलीफायर लगाया है और MTX का सब लगाया है सील्ड में, आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू पोलो थी इनकी, कल ही इनकी डिलीवरी मिली है। सो देवांश जी क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? यूट्यूब से भैया का नंबर मिला और उसके बाद सुबह कॉल अप किया, जब मेरे को सबसे पहले एक्चुअली ये पोलो मेरे ब्रदर की है और ब्रदर को मैंने सजेस्ट किया कि पोलो लेनी है, एंड देन उसके बाद सजेस्ट किया कि मोटर कंसेप्ट पे आना है। और तो अभी सबसे पहला अपग्रेड आपने ऑडियो का कराया? सबसे पहला अपग्रेड ऑडियो का है, और ये पोलो हमारे पास अभी 3 से 4 गाड़ियां हैं इंक्लूडिंग रैपिड, होंडा सिटी, सब ऑटोमेटिक है, एंड दिस इज द अनदर वन इन आर
गैराज एंड बट ये गाड़ी सिर्फ हमने मतलब लौंडा बंदी करने के लिए लिया, तो इसमें एक एक करके सारी ऑल्टरेशंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट अभी ऑडियो अपग्रेड हुआ है और ऑडियो अपग्रेड करने के बाद अभी इसका मफलर अपग्रेड होना है और रेस्ट लेट्स सी कैसे कैसे अभी बाहर का पूरी मॉड करना है इन्होंने। मेरे भी पर्सनल फेवरेट है पोलो, मेरे पास एक पोलो है लेकिन ये जब से GTTSI आई हुई है मेरा एक मन करता है, मैं आपको डिस्कस भी कर रहा था आपसे जब आए थे कि पोलो लेने का मन है, तो एक बार इसका ऑडियो फिर से चेक करें सर प्लीज प्लीज। कैसा लगा है सर आउटपुट? एक्सपेक्टेशन बिल्कुल, मैंने पहले भी आपकी वीडियो में देखा तो फ्लक्स लगाते हुए देखा था और आते ही सीधा फ्लक्स की बात हुई और हमने बोला कि कंपोनेंट डालना है, आप डालना है और एक सबवूफर डालना है, तो आपने तो, नहीं सोचा एक बार भी JBL डालें या इन्फिनिटी डालें जो बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ एक्चुअली मेरा मतलब थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट भी है, गाड़ियों में गाड़ी की पावर कैसी रहती है, इंजन कैसे रहते हैं, वेरियंट्स कैसे आते हैं, ऑडियो सिस्टम कौन से डालने होते हैं, तो JBL बेसिकली जो हम एंट्री लेवल देखते हैं यहाँ पे शायद वो क्वालिटी नहीं दे पाता, लेकिन हाँ इस प्राइस रेंज में जो फ्लक्स मैं पहले भी आपकी वीडियोज में भी देखा एंड इनपुट के हिसाब से जो मतलब जितना मतलब मीठा डालेंगे उतना अच्छा निकलेगा। बिल्कुल, और नहीं पर ये एक अच्छी चॉइस है, मैं पर्सनली भी बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि इसको लगाने के बाद मुझे 100% कॉन्फिडेंस होता है कि गाड़ी में साउंड अच्छी आएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मोस्टली सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक अगर आप 20,000 रुपए के अंदर एक कंपोनेंट देखें तो मुझे स्टिल ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कंपोनेंट लगता है। इन्फिनिटी आता है हारमन का, लेकिन उसके अंदर आई थिंक इट इज ओवररेटेड एंड आई बिलीव ये वाला जो साउंड सिस्टम है अभी मतलब इट इज वी आर सिटिंग इन अ गैराज यहाँ पे अभी जहाँ काम चल रहा है, मे बी जब ड्राइव पे जाएंगे इसकी फील एक अलग होगी और ज्यादा होगी, क्योंकि अभी इनको मिनिमम 30-40 आवर्स रनिंग होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको अभी बहुत ज्यादा लाउड ना चलाएं। ओके, आपको जहाँ फील हो कि सिस्टम डिस्टॉर्ट कर रहा है वॉल्यूम उससे नीचे रखें हमेशा, और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है अपना म्यूजिक अच्छा सोर्स से चलाएं, iTunes से चलाएं या Amazon Prime से चलाएं या YouTube Premium से चलाएं, उससे आपको जो साउंड क्लैरिटी है वो और एनहांस होगी, क्योंकि लाउडनेस तो आराम से अचीव हो जाती है लेकिन जो मेजर है कि हाँ क्लैरिटी फील हो कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, एक घंटा भी आपने ड्राइव करी तो आपको म्यूजिक से फटीग फील नहीं होनी चाहिए, आपको फ्रेश फील रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो बस मैं थैंक्स करना चाहता हूँ पाजी का, पाजी ने पूरा मतलब जैसे आज हमने सुबह ही फोन किया था उसके बाद भी टाइम निकाल के हमारी गाड़ी तैयार कर दी है। नहीं अच्छी बात थी कि देखो मैंने जो जो इनको सजेस्ट किया इन्होंने मेरी बात पे ट्रस्ट किया, और जो जब आप मेरे को देखो अगर इफ यू ट्रीट मी लाइक अ डॉक्टर आई विल वर्क एज अ डॉक्टर, अगर आप मेरे को केमिस्ट की तरह ट्रीट करोगे तो मैं केमिस्ट की तरह जो आप कहोगे वो लगा भी सकता हूँ। मतलब स्पीकर खराब भी था, मतलब जो हमारे सेट में से निकला था तो इमीडिएटली वो चेंज हुआ है दूसरे सेट। हाँ मतलब ऐसा खराब, अगर मेरे को हल्का सा भी देखो डाउट हो या मेरे को डिस्टॉर्शन फील हो रही थी बहुत माइनर, तो Which I liked very much and then I wish that more and more customers can come here and get their vehicles done. Thank you so much, sir. Thank you, thanks a lot for doing my car.